नमस्कार, मैं आशीष पाठक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार परीक्षा प्लस में। केवीएस जेएसए की रीटाइपिंग और रीसीपीटी का एग्जाम डेट जो है आ चुका है। अब ये मायने रखता है कि क्या ये पूरा का पूरा री एग्जाम हो रहा है या सिर्फ उन बच्चों का हो रहा है जिन्होंने एग्जाम छोड़ दिया था, या सिर्फ उन बच्चों का हो रहा है जिनके सेंटर पर केवीएस की तरफ से कोई एरर आया था, इन द सेंस सर्वर एरर आया था, सिर्फ उन सेंटर का है या उस भी सेंटर के बच्चे शामिल किए गए हैं जहां बच्चों ने हंगामा कर दिया था। ठीक है, तो इस बात पर आप लोग बताइएगा कमेंट करके कि क्या जो आप लोगों ने हंगामा किया था, एग्जाम छोड़ा था टाइपिंग, क्या आपके भी एडमिट कार्ड आए हैं उस सेंटर के कि नहीं आए हैं, एक बार जरूर आप लोग हमें बताइएगा। आप लोगों का जो अगर हम बात करें, पब्लिकली नोटिस जारी किया गया है, यहां पर आप देखोगे, रीड मोर हम करते हैं, यहां पर आप जाओगे तो सबसे पहले बोला नोटिस री एग्जाम फॉर स्किल टेस्ट ऑफ जेएसए। अगर हम इसको डाउनलोड करते हैं, ठीक है, ओपन विद डब्ल्यूपीएस करते हैं, अब ये देखिए यहां पर अगर हम देखें तो यहां आपसे बोला गया है कि जो 13/5 को आपका एग्जाम हुआ था, ठीक है, इसको थोड़ा सा ब्राइटनेस इसका हम कम कर दे, हाँ, 13/5 को जो आपका एग्जाम हुआ था उसका स्किल टेस्ट जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट का कुड नॉट बी कंप्लीटेड एट देयर सेंटर इन दिल्ली, पटना और फगवारा। पटना में काफी बच्चों ने छोड़ दिया था जब देखा था कि बच्चे वहां पर नकल कर रहे हैं या कोई और उनका टेस्ट दे रहा है, इस वजह से। नाउ सीबीएसई द रिक्रूटिंग एजेंसी हैज गिवन अदर द चांस टू सच ए कैंडिडेट टू अपीयर फॉर स्किल टेस्ट टाइपिंग टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट शेड्यूल टू हेड ऑन 17/6/2023। मतलब 17 तारीख को आपका ये स्किल टेस्ट होगा। इसमें बताया गया है कि किन किन बच्चों का होगा। यहां पर देखिए, जहां पर एग्जाम छोड़ा गया था न्यू दिल्ली के सेंटर में, वहां पर नंबर ऑफ कैंडिडेट कॉल फॉर टाइपिंग के लिए 143 लोगों को बुलाया गया है, ठीक है, और जो सीपीटी छूटा था, जिनका सीपीटी किसी कारणवश नहीं हुआ था, उसमें आपके 9 लोगों को बुलाया गया। इसका 10:30 से 11:30 की टाइमिंग है और 9:40 से 9:50 की टाइमिंग इसकी है। हाँ, पटना की अगर बात करें तो यहां पर सिर्फ 92 कैंडिडेट का बुलाया गया है और मुझे ऐसा लग रहा है कि यहां पर कुछ गड़बड़ है। आप लोग कमेंट से बताइएगा कि जो लोग आप लोग एग्जाम सेंटर पे, जो एक तरह से कई सेंटर था आपका, गणपति पॉइंट जो एक तरह से था, और भी ऐसे कई सेंटर थे जहां बच्चों ने एग्जाम नहीं दिया था, हंगामा कर दिया था, तो क्या उन्हें भी बुलाया गया, उनका भी एडमिट कार्ड डाउनलोड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि ये संख्या मुझे थोड़ा कम लग रही है। फगवाड़ा की बात करें, यहां पर भी हुआ था नकल, प्लस यहां पर एक और चांस था कि यहां पर सर्वर इशू भी था, यहां पर सर्वर इशू भी था, यहां पर नंबर ऑफ 237 कैंडिडेट की टाइपिंग के लिए बुलाया गया है, 472 टोटल स्टूडेंट के लिए टाइपिंग बुलाया गया है, और अगर सीपीटी की बात करें तो यहां सिर्फ 74 लोगों की सीपीटी बुलाया गया, और सबसे ज्यादा 54 लोगों की सीपीटी फगवारा में नहीं सबमिट हो पाई थी, पटना में 11 लोगों की है। तो ये आप क्लियर करना है आपको कि यहां पर जो हुआ है ये क्या उन बच्चों के भी एडमिट कार्ड आए हैं जिन्होंने एग्जाम छोड़ दिया था, या सिर्फ उन्हीं का एडमिट कार्ड आया है जहां सेंटर पर सर्वर इशू था, मतलब केवीएस की तरफ से कोई इशू था। ठीक है, तो एक बार कमेंट से जरूर बताइएगा कि आप जो लोग एग्जाम छोड़े थे, जिस वजह से छोड़े थे, उन सब का आया है कि नहीं आया है। कोई और नई जानकारी मिलती है तो हम जरूर आपके समक्ष आएंगे। तो चलिए, इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।